अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर लर्नर्स। आज मैथ्स नहीं, इंग्लिश ग्रामर भी नहीं, आज हम जनरल नॉलेज पर कुछ एमसीक्यूज स्टडी करेंगे। तो आज मेरे लिए बल्कि सारे इंडियंस के लिए बहुत खुशखबरी है कि कल को हमारे जो चंद्रयान 3 है ना, वो सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड की थी। तो आज के जो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है इसी ही चंद्रयान 3 पर है। तो इस चंद्रयान 3 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हम डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 3 मिशन। तो ये जो चंद्रयान 3 मिशन है इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, कब इसको लॉन्च किया गया, मतलब चांद के लिए इसको रवाना किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 24 जुलाई 2023। बी नंबर है 14 जुलाई 2023। सी नंबर है 13 जुलाई 2023। और डी नंबर है 4 जुलाई 2023। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी, 14 जुलाई 2023। अब आके क्वेश्चन नंबर 2 पर, द चंद्रयान 3 मिशन रोवर इज नोन एज। ये जो चंद्रयान 3 है इसकी जो रोवर है, रोवर मतलब घूमने वाले जो मशीन है, जो डिवाइस है, यहाँ देखिए इसको कहते हैं रोवर। तो इसके नाम क्या है, ऑप्शन ए विक्रम, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी प्रज्ञान और ऑप्शन डी ध्रुव। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी प्रज्ञान। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मिशन लाइफ ऑफ द लैंडर एंड रोवर इक्वल टू। मिशन लाइफ मतलब कितने दिन तक सर्वाइव करेगी। ऑप्शन ए है 14 डेज, मतलब हमारे धरती के 14 दिन। ऑप्शन बी है 24 डेज। ऑप्शन सी है 16 डेज। ऑप्शन डी है 12 डेज, हमारे धरती के 12 दिन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है 14 डेज होते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए हमारे धरती के लिए जो 30 दिन होते हैं ना, वो चांद की सरफेस में 28 दिन के बराबर होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेच लॉन्चर इज यूज फॉर चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 को भेजने के लिए कौन सी लॉन्चर यूज़ किया गया। लॉन्चर मतलब धरती से जिस मशीन से, मतलब रॉकेट कहा जाता है, जिस रॉकेट से इसको ऊपर भेजा जाता है, छोड़ दिया जाता है, इसको कहते हैं लॉन्चर। तो यहाँ देखिए लॉन्चर तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, GSLV, LV, LVSM, PSLV, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग नेम्स होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है GSLV, बी है LVSM, सी है GSLV MK3 और डी है PSLV। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है GSLV MK3। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मिशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3, मतलब ये जो चंद्रयान 3 है इसकी मिशन की पर्पस क्या है। तो ऑप्शन ए है टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोबिंग ऑन द मून, एंड बी नंबर टू डेमोन्स्ट्रेट ए सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सर्फिस, सी नंबर टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ आंसर डी है, ऑप्शन डी है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट ए नंबर देखिए, ए नंबर टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोबिंग ऑन द मून, मतलब रोवर जो डिवाइस है ना ये मूव करेगी, मतलब चांद के सरफेस पर घूमेगी। बी नंबर टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग। सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग मतलब क्या है, चांद के सरफेस पर विदाउट एनी क्रेशिंग, विदाउट एनी प्रॉब्लम वो शांत से लैंड कर पाएगी, ये होते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये भी इसकी एक पर्पस है। सी नंबर टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब है यहाँ बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं हुआ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ किस टाइप के पत्थर है, यहाँ पानी है कि नहीं, यहाँ मॉइस्चर कैसे है, यहाँ सरफेस पर जो पत्थर होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, या उसके अलावा और कोई सारे मेटल्स होते हैं कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करना, चेक करना। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच डिड द चंद्रयान 3 मिशन कॉस्ट। चंद्रयान 3 के लिए कितने रुपये खर्च करनी पड़ी। ऑप्शन ए 1200 करोड़, 1200 करोड़, बी 960 करोड़, सी 600 करोड़ और डी 540 करोड़। तो यहाँ ऑप्शन सी है 600 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3। वजन कितने हैं टोटल चंद्रयान 3 के, वजन कितने हैं। ऑप्शन ए 4100 किलोग्राम, ऑप्शन बी 3900 किलोग्राम, ऑप्शन सी 2190 किलोग्राम, ऑप्शन डी 5200 किलोग्राम। तो यहाँ ऑप्शन बी है 3900 किलोग्राम। तो आपके फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ कि ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ना, ये अकेले 2148 किलोग्राम के हैं, और बाकी जो लैंडर और रोवर है ये दोनों की वजन 1752 किलोग्राम है। तो ये दोनों फिगर मिला के 3900 किलोग्राम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज दैट वन थिंग इन चंद्रयान 3 एंड नॉट इन चंद्रयान 2। तो वो कौन सी चीज़ जो चंद्रयान 3 में है लेकिन चंद्रयान 2 में नहीं थे। ऑप्शन ए लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV, ऑप्शन बी लेजर बेस्ड इंटरफेरोमेट्री, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक डॉपलर मेथड्स एंड ऑप्शन डी मोलिकुलर टैगिंग वेलोसीमीट्री। तो यहाँ ऑप्शन ए है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV, ये चंद्रयान 2 में नहीं थे। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान 3। तो आप देखिए कौन सी चीज़ चंद्रयान 3 में मिसिंग है, नहीं है। अच्छा,
और खास बात यह है कि वो चीज़ जो चंद्रयान 3 में मिसिंग है वो चंद्रयान 2 में थी। तो ऑप्शन है रोवर, ऑप्शन डी लैंडर, ऑप्शन सी ऑर्बिटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ ऑप्शन सी है ऑर्बिटर, क्योंकि चंद्रयान 3 में रोवर रोवर तो है, लैंडर लैंडर भी है, ये दोनों है। रोवर जो है और डिवाइस है ना ये लैंडर के अंदर ही है, तो लेकिन यहाँ ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ दो पार्ट्स हैं, दो डिवाइस हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट विल बी द डिज़ाइन ऑफ द प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो होते हैं ना इसकी डिज़ाइन क्या है। तो ऑप्शन है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद ए सोलर पैनल ऑन द साइड विद ए सिलेंडर ऑन टॉप। ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विथ सोलर पैनल्स ऑन ऑल साइड्स। ऑप्शन सी क्यूब विथ ए स्फीयर ऑन टॉप। ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ ए सोलर पैनल ऑन दी साइड विथ ए सिलेंडर ऑन टॉप। इसके टॉप एक सिलेंडर टाइप के होते हैं और इस पर एक सोलर पैनल लगा हुआ होता है, ठीक है, और वो बॉक्स टाइप के एक स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। तो इसकी ये जो चंद्रयान 3 मिशन है इसकी डायरेक्टर कौन है। ए ऑप्शन है बीरा मुतुब, ऑप्शन बी एम बनिता, ऑप्शन सी रितु करिडाल, ऑप्शन डी के सिवन। तो यहाँ ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून। चांद पर कहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड करेगी। ऑप्शन ए नियर द साउथ पोल, ऑप्शन बी नियर द नॉर्थ पोल, ऑप्शन सी इन द इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एवर। तो हम सबको पता है कि यहाँ चंद्रयान 3 को साउथ पोल के लिए भेजा गया, तो यह ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इसरो विल फेस इन द चंद्रयान 3 मिशन। तो इसरो जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़े जो चैलेंजेस है वो क्या क्या, मतलब मुश्किल जो है वो क्या क्या है। ऑप्शन ए द लूनर सर्फेस इज वेरी हार्श एंड द लैंडर एंड रोवर विल नीड टू बी एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस। तो देखिए ये जो चांद के सर्फेस होते हैं ये बहुत सख्त होते हैं, तो ये जो मशीन्स हैं डिवाइस हैं मतलब चंद्रयान के जो रोवर है लैंडर है इनको लैंड कराना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाती है इस कंडीशन में। ऑप्शन बी द लैंडिंग साइट इज नियर द साउथ पोल ऑफ द मून व्हिच इज ए वेरी रिमोट एंड अनएक्सप्लोर्ड रीजन। तो जो जिस साइट पर वो लैंड करेगी ना वो एक्चुअल में बहुत डेंजरस एक रीजन होते हैं, रिमोट रीजन होते हैं, जिस पर अभी भी किसी देश की कोई एक्सप्लोरर नहीं गया था। तो ये पहले बार इंडिया के लिए है कि साउथ पोल पर यह चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड हो। ऑप्शन सी द लैंडर एंड रोवर विल नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद अर्थ बट द मून्स एटमोसफेयर इज वेरी थीन विच विल मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। तो देखिए चांद की जो एनवायरनमेंट है ना, एटमोसफेयर है, ये वो बहुत हल्के होते हैं हमारे धरती के तुलना में, तो धरती के साथ ये जो डिवाइस है लैंडर और रोवर इन दोनों की कम्युनिकेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ देखिए ऊपर के ए बी और सी इन सब डिफिकल्टीज तो है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। 14 नंबर, वेस्ट कंट्री इज द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। तो देखिए कौन सी देश चौथी देश है जो चांद के सरफेस पर सक्सेसफुली अपने स्पेस क्राफ्ट को लैंड किया। ऑप्शन है चाइना, बी इंडिया, सी रशिया, डी यूएसए। तो यहाँ फोर्थ कंट्री जो है ये बी ऑप्शन बी इंडिया है, क्योंकि इंडिया का पहले और भी तीन मुल्क है, यूएसए, रशिया और चाइना, इन तीनों ने इंडिया के पहले चांद पर अपने कदम जमा लिए थे। सबसे पहले यूएसए, इसके बाद यूएसएसआर मतलब रशिया, और इसके बाद चाइना, और चौथे नंबर में इंडिया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल बी कैरीड बाय द लैंडर एंड रोवर इन चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर और रोवर होते हैं इनकी क्या क्या इनके पास क्या क्या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑप्शन ए सरफेस साइंस इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब सरफेस के ये जो भूमि होते हैं ना इसको टेस्ट करने के लिए जो मशीन है, डिवाइसेस है, वो इंस्ट्रूमेंट है। बी एटमोस्फेयरिक साइंस इंस्ट्रूमेंट, तो इस यहाँ चांद की जो एटमोस्फेयर है ना, वायुमंडल है, इसको टेस्ट करने के लिए, इसको जांच करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है। सी नंबर वाटर साइंस इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पानी वगैरह है कि नहीं, अगर है तो ये कैसे है, इसको टेस्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट। डी नंबर ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ ऑप्शन डी है, मतलब ए बी और सी, सी में जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सब मौजूद है चंद्रयान 3 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज द लैंडिंग शेड्यूल फॉर चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग शेड्यूल मतलब कौन सी तारीख में वो लैंड करेगी। ऑप्शन है अगस्त 29, 2023, ऑप्शन बी अगस्त 25, 2023, ऑप्शन सी अगस्त 23, 2023, ऑप्शन डी अगस्त 24, 2023। तो ये जाहिर सी बात है भाई, गुज़श्ता काल को लैंड हुआ ना सक्सेसफुली, तो वो काल की डेट क्या था। ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी अगस्त 23, 2023। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ डिड चंद्रयान 2 वेलकम चंद्रयान 3। तो यहाँ देखिए चांद के ऑर्बिट पर ऑलरेडी चंद्रयान 2 मौजूद है, तो इस चंद्रयान 3 जब ऑर्बिट पर दाखिल हुआ ना तो चंद्रयान 2 ने इसको वेलकम किया। तो देखिए यहाँ मैकेनिकली कुछ सेंटेंस या फिर वर्ड्स लिखी गई हैं, तो कौन सी वर्ड से चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 को वेलकम किया। ऑप्शन ए हेलो बटी, ऑप्शन बी हाय बटी, ऑप्शन सी वेलकम बटी, ऑप्शन डी है बटी। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, वेलकम बटी।
आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु इज द रॉकेट वुमेन बिहाइंड चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन की रॉकेट वुमेन किनको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मौमिता दत्तो, ऑप्शन बी है ऋतु करिदाल, ऑप्शन सी नंदिनी हरिनाथ, ऑप्शन डी टेसी थॉमस। तो यह ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऋतु करिदाल। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एट व्हाट टाइम डिड लैंडर विक्रम टच द लूनर सरफेस। तो चांद के सरफेस पर, जमीन पर ये जो लैंडर विक्रम है ना, जिसकी पेट में रबर प्रदान मौजूद है, वो कौन सी टाइम पर, वो किस टाइम पर लैंड किया, मतलब छुया जमीन, चांद के जमीन को टच किया, छुया। तो ऑप्शन है 6:02 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 6:02 पर, बी नंबर 6:04 पर, सी नंबर 6:05 और डी नंबर 6:06 PM। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि 6:04 पर लैंड हो। अगर इस वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।